गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुलोचना सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट म्यूटेशंस। व्हाट आर म्यूटेशंस? म्यूटेशंस आर चेंजेस टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल्स के न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, जब उस सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम इस तरह भी कहेंगे, ए जीन म्यूटेशन इज अ परमानेंट चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट मेक्स अप ए जीन। जो डीएनए सीक्वेंस है जिससे जीन बनता है, जब उसमें कोई परमानेंट चेंज आ जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन वेरी करता है, इट रेंज फ्रॉम ए सिंगल डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक टू द लार्ज सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोजोम। यानी कि डीएनए के सिर्फ एक बेस में चेंज हुआ है या पूरे क्रोमोजोम के लार्जर पार्ट में चेंज हुआ है, इट रेंजेस। कारण क्या है म्यूटेशंस के? व्हाट आर द काजेज ऑफ म्यूटेशंस? म्यूटेशंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दे कैन बी कॉज बाय कोपिंग एरर्स इन द जेनेटिक मटीरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है और रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें डीएनए की कॉपी तैयार होती है, डबल कॉपी, तो उसके अंदर अगर कोई एरर रह जाए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, उसकी वजह से म्यूटेशंस हो सकती हैं। इफ़ देर इज एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो हैं, दे आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, उनसे म्यूटेशंस हो सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन से हो सकता है। केमिकल म्यूटेजेंस में बी द रीजन ऑफ म्यूटेशंस, वायरस में बी द रीजन, एंड इट कैन ऑल्सो अकर डेलिबरेटली अंडर सेलुलर कंट्रोल। हमारे जो कुछ प्रोसेस है, जैसे हाइपर म्यूटेशन का प्रोसेस है, उसके अंडर भी म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन कितनी तरह का है? टाइप ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशंस ऑकर्स इन टू वेज। इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम ए पेरेंट और इट कैन बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए पर्सनस लाइफ टाइम। या तो पेरेंट से मिला है, इनहेरिट किया है, या अपनी लाइफ प्रोसेस में किसी टाइम भी ये हो सकता है, तो उसको एक्वायर्ड म्यूटेशंस बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हेरिडिटरी म्यूटेशंस। जो म्यूटेशन पेरेंट से चाइल्ड तक ट्रांसफर होती है, दैट म्यूटेशन इज नोन एज हेरिडिटरी म्यूटेशन, या हम उसको कह सकते हैं जर्म लाइन म्यूटेशंस, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है, एग्स एंड स्पर्म सेल्स, जिनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। जब इन दोनों के अंदर म्यूटेशन प्रेजेंट हो जाती है, सो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा इन सेल से, दैट ऑफस्प्रिंग्स विल कैरी म्यूटेशंस इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड थ्रू आउट इट्स लाइफ। नेक्स्ट है डी नोवो म्यूटेशंस। क्या है डी नोवो म्यूटेशंस? म्यूटेशन अगर सिर्फ एग में होती है या स्पर्म सेल में होती है, या फर्टिलाइजेशन के जस्ट आफ्टर जो सेल प्रोड्यूस होता है उसके अंदर होती है, देन इट इज़ नोन एज डी नोवो म्यूटेशन। तो डी नोवो म्यूटेशन कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करती है, जिसमें बच्चे की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है डिसऑर्डर की, लेकिन बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, लेकिन उसके फोर फादर्स में, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, यानी कि कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है। सो दैट इज़ नोन एज डी नोवो म्यूटेशंस। नाउ एक्वायर्ड और सोमैटिक म्यूटेशंस, ये कौन सी म्यूटेशंस हैं? जो किसी इंडिविजुअल सेल के डीएनए में अपनी लाइफ के दौरान किसी भी टाइम हो सकती है। तो क्या कारण हो सकते हैं एक्वायर्ड म्यूटेशंस के? दे कैन बी कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि हमारा सराउंडिंग्स, हमारा एनवायरमेंट कैसा है, सन से जो यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं, उससे म्यूटेशंस हो सकती है सोमेटिक सेल्स में, और या कोई डीएनए की कॉपी के टाइम, रेप्लिकेशन के टाइम, सेल डिवीजन के प्रोसेस में जो कोई एरर रह जाता है, उसकी वजह से सोमेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं। सोमेटिक म्यूटेशंस दे आर नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हेरिडिटरी म्यूटेशंस की हमने बात की थी, दे आर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट एक्वायर्ड म्यूटेशंस दे आर नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ व्हाट इज मोसाइसिज्म? म्यूटेशंस जब एम्ब्रियो के बाद, यानी कि विद इन एन अर्ली एम्ब्रियो, उसके एक सिंगल सेल में हो जाती है, तो जब वो सेल ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, सेल डिवाइड करेगा, इट विल प्रोड्यूस मोर सेल्स। तो कुछ सेल्स तो हैं एम्ब्रियो के विद म्यूटेशंस हैं, और कुछ सेल्स विदाउट
म्यूटेशंस है, यानी कि कुछ सेल्स में जेनेटिक चेंज हुआ है, कुछ में जेनेटिक चेंज नहीं हुआ है, ऐसी सिचुएशन को मोसाइसिज्म बोलते हैं। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म, जो म्यूटेशंस है, जो जेनेटिक चेंजेज है, कुछ तो वेरी रेयर, यानी कि बहुत कम उनके बारे में हमें सुनने देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जेनेटिक चेंजेज काफ़ी कॉमन है पॉपुलेशन के अंदर। तो जो जेनेटिक चेंजेज पॉपुलेशन की 1% के अंदर प्रेजेंट है, दैट फिनोमिना, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो 1% ऑफ द पॉपुलेशन जिसके अंदर जेनेटिक चेंजेज होते हैं, जिसको हमने अभी पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दिया, तो ये काफ़ी नॉर्मल वेरिएशन है डीएनए की, कॉमन बात है, दिस इज नॉट अनकॉमन, कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसी की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द नॉर्मल डिफरेंसेज लोगों के अंदर जो होते हैं, जैसे आई का कलर अलग है, हेयर कलर अलग है, उसका ब्लड टाइप अलग है। सो पॉलीमॉर्फिज्म जो है इन सब का जवाब हमें देती है। ज़्यादातर पॉलीमॉर्फिज्म के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है हमारी हेल्थ के ऊपर, लेकिन कुछ वेरिएशंस जो हैं वो सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप भी कर सकती हैं। न्यूट्रल म्यूटेशंस, न्यूट्रल म्यूटेशन उसे कहेंगे जिस म्यूटेशन का किसी इंडिविजुअल की हेल्थ पर, या हम कहेंगे उसकी फिटनेस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसी वेरिएशंस, ऐसी म्यूटेशंस अकोमुलेट हो जाती हैं ओवर टाइम, जिसको हम कहेंगे ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ वी विल डिवाइड म्यूटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल स्केल म्यूटेशंस। स्मॉल स्केल म्यूटेशंस अफेक्ट ए वेरी स्मॉल जीन, एंड इन ए स्मॉल जीन दे अफेक्ट ओनली वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक पॉइंट म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस कैसे होती हैं? दे आर कॉज्ड बाय द केमिकल्स और मल फंक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस था सेल डिवीजन के दौरान वो ठीक नहीं था, या किसी केमिकल की वजह से म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो सबसे जो ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड फॉर अनदर न्यूक्लियोटाइड। और इसमें क्या होगा, देर विल बी एक्सचेंज ऑफ प्यूरिन फॉर ए प्यूरिन, यानी कि प्यूरिन की जगह प्यूरिन आएगा और पिरिमिडिन की जगह पिरिमिडिन आएगा। जैसे हमने इसमें देख रहे हैं कि एडेनिन विल बी रिप्लेस्ड बाय द ग्वेनिन ओनली, एंड ग्वेनिन विल बी रिप्लेस्ड बाय द एडेनिन। तो पिरिमिडिन की जब बात करते हैं, साइटोसिन विल बी रिप्लेस्ड बाय थायमिन, एंड थायमिन विल बी रिप्लेस्ड ओनली बाय द साइटोसिन। सो दिस इज ट्रांजिशन, बहुत कॉमन है ये। सेकेंड नेक्स्ट इज ट्रांसवर्शन। ट्रांसवर्शन इतना कॉमन नहीं है, इसमें प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन एक्सचेंज होता है और पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन। जैसे साइटोसिन इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन एंड एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वेनिन। नाउ पॉइंट म्यूटेशन जो है उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, रिवर्स यानी कि बैक किया जा सकता है। कैसे बैक किया जा सकता है, दूसरी पॉइंट म्यूटेशन से, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो चेंज हो गया था, इट कैन बी चेंज बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, उसको हम कहेंगे ट्रू रिवर्शन। यानी कि पहले जैसी पोजीशन थी डीएनए के सीक्वेंस की वैसी आ जाएगी, क्योंकि जो चेंज हुआ था न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो वापस आ गया है। या फिर किसी दूसरी जगह पर चेंज हो सकता है, उसको हम बोलेंगे सेकेंड साइट रिवर्शन या कम्प्लीमेंट्री म्यूटेशन। यानी कि एग्जैक्टली वहीं पर म्यूटेशन नहीं हुई है जो बैक हुआ है, उसकी दूसरी साइट पर हो गया है, जो कि जीन्स को अपना नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करती है। अब हम म्यूटेशंस को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन के वो कहाँ पर हो रहा है। अगर पॉइंट म्यूटेशन जो दैट अकर विद इन द प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ द जीन, जीन के जो डिफरेंट रीजन्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उसका जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है अगर उसमें म्यूटेशन होती है, तो हमने इसको यहाँ तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, साइलेंट म्यूटेशंस, मिससेंस म्यूटेशंस एंड नॉन सेंस म्यूटेशंस। साइलेंट म्यूटेशंस नेम इट्सेल्फ इंडिकेट इट्स मीनिंग, यानी कि साइलेंट यानी कि कोई अमीनो एसिड चेंज नहीं हुआ है, पोजीशन वैसे की वैसी है। मिससेंस यानी कि चेंज हो गया, सेंस चेंज हो गई है उसकी, क्या सेंस चेंज हो गई है, अमीनो एसिड चेंज हो गया है। नॉनसेंस यानी कि जो
ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जो अमीनो एसिड को उसने कोड करना था वो टोटली उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है इंसर्शंस। इंसर्शन या हम इसको कहेंगे एडिशंस, क्या करते हैं इसमें, एड वन और मोर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड इनटू द डीएनए। जो ओरिजिनल सीक्वेंस है डीएनए का उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं, और होते किस वजह से हैं, वही ड्यू टू एरर इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो रिपीटेड एलिमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं, जैसे एडेनिन और थायमिन अगर बार बार रिपीट हो रहता है तो उस प्रोसेस में गलती हो जाती है रेप्लिकेशन में और एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड मटेरियल ऐड हो जाता है। इंसर्शन इन द कोडिंग रीजन ऑफ ए जीन में आल्सो अल्टर स्प्लिसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए, यानी कि स्प्लिस साइट म्यूटेशन। स्प्लिस साइट पे म्यूटेशन हो जाती है या उसका जो रीडिंग फ्रेमवर्क है या जो जेनेटिक कोड है उसको जैसे हम रीड करते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन होता है मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेज उसमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा जीन प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी डिफरेंट। तो जो इंसर्शंस है दे आर रिवर्सिबल, यानी कि इनको बैक किया जा सकता है, लेकिन जो डायलेशन है उसको बैक नहीं किया जा सकता, दे आर इरिवर्सिबल। डायलेशन यानी कि रिमूवल, क्या रिमूव करेंगे, वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द डीएनए विल बी रिमूव्ड। तो जैसे इंसर्शन रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देता है जीन के, इसी तरह से डायलेशन आल्सो चेंज द रीडिंग फ्रेम ऑफ द जीन। अभी हमने बात करी थी स्मॉल स्केल म्यूटेशंस की, अब हम बात करेंगे लार्ज स्केल म्यूटेशंस की। लार्ज स्केल म्यूटेशन यानी कि क्रोमोजोम स्ट्रक्चर के जो लार्ज रीजन में म्यूटेशंस होगी दैट विल बी नोन एज लार्ज स्केल म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लीफिकेशन और जीन डुप्लीकेशन, यानी कि जीन की क्वांटिटी ऐड हो गई है। जो क्रोमोजोम है हमारे पास उस क्रोमोजोमल रीजन में मल्टीपल कॉपीज ऑफ द क्रोमोजोमल रीजन्स हैव बीन एडेड, दैट मीन्स जीन्स की क्वांटिटी, जीन्स की डोज हमारे क्रोमोजोम के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। नाउ डिलीशन, डिलीशन में फिर क्या होगा, यानी कि रिमूव हो गया, ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द क्रोमोजोमल रीजन हैव बीन रिमूव्ड, हैव बीन डिलीटेड, जिसकी वजह से जीन्स की हमारे पास क्वांटिटी थी वो कम हो गई है। वट आर फ्यूजन जीन्स, सेपरेट पीसेज ऑफ द डी एन ए हैव बीन ब्रॉट टूगेदर एंड नाउ इट इज फंक्शनल, दैट इज नोन एज फ्यूजन जीन्स। तो ये फ्यूजन जीन्स की कैटेगरी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीथल म्यूटेशंस। लीथल के नाम से ही हमें पता है, यानी कि जो हार्मफुल हैं, ऐसी म्यूटेशन जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स की डेथ तक कर सकती हैं, सच म्यूटेशंस आर नोन एज लीथल म्यूटेशंस। नाउ मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस, मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस आता है, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स की, किसी इंडिविजुअल की जो आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज हो जाती है दैट इज़ ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस। क्या होगा इसमें, हाइट चेंज हो सकती है किसी प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, या किसी भी एनिमल की, या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, उसका सरफेस चेंज हो सकता है फ्रॉम स्मूथ टू रफ शेड्स। इसकी वजह क्या है, जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस हैं दे आर काज बाय द मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेंट्स। जो एंजाइम्स का पाथवे है, जब उसमें चेंज आ जाता है ड्यू टू चेंज इन द एंजाइमेटिक पाथवे देर आर चेंजेज इन द मॉर्फोलॉजी। नाउ दिस इज बायोकेमिकल म्यूटेशंस, अभी हमने बात करी कि एंजाइमेटिक पाथवे चेंज हो जाता है। बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, जितने सारे काम हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स। तो जब एंजाइम्स चेंज हो जाएंगे, एंजाइम्स का पाथवे चेंज हो जाएगा, सो देर विल बी डिफरेंट जीन प्रोडक्ट्स, सो दैट इज नोन एज बायोकेमिकल म्यूटेशंस एंड इट विल इफेक्ट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, ओरिजिन क्या है म्यूटेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम म्यूटेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या मोलिकुलर डिके से कहेंगे, और दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। इंड्यूस यानी कि इंड्यूस किया गया है म्यूटेशन को बाय म्यूटाजेंस। व्हाट आर म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस विल बी द एजेंट्स विच विल ब्रिंग अबाउट म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है दे अकर एट रैंडम, और इनकी फ्रिक्वेंसी जो है पॉपुलेशन में काफ़ी लो है। क्यों होती हैं, ड्यू टू एरर इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन।
और हमारा जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है, जो हम डैमेज डीएनए को रिपेयर करते हैं, अगर उसमें कोई फेलियर आ जाता है, उस रिपेयर सिस्टम में कमी रहने की वजह से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन प्रोड्यूस होती हैं। ये थोड़ा सा रेपिटेशन हम इसलिए कर रहे हैं, ये फिर से आ गया है ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की, क्योंकि हमने बात करी है ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन की बात करी है, तो इसमें सेम चीज़ें आएंगी, डीप्यूरिनेशन, डीएमिनेशन। डीप्यूरिनेशन यानी कि प्यूरिन बेस चला गया सडनली, डीएमिनेशन जो नॉर्मल बेस था वो नॉर्मल से एटिपिकल में चेंज हो गया। ट्रांजिशन प्यूरिन इज रिप्लेस बाय प्यूरिन और पिरिमिडिन इज रिप्लेस बाय पिरिमिडिन। ट्रांसवर्शन सेम अगेन हमने अभी बात करी है, प्यूरिन रिप्लेस्ड होगा पिरिमिडिन से एंड वाइस वर्सा। नाउ इंड्यूस म्यूटेशन यानी कि म्यूटेशंस जो मॉलिक्यूलर लेवल पर इंड्यूस की गई हैं वो कैसे की जा सकती हैं, दे कैन बी इंड्यूस बाय द केमिकल्स। ये डायग्राम हम देखते हैं, इसमें ये डायलिशन यानी कि क्रोमोजोम का एक पार्ट रिमूव हो गया है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एक क्रोमोजोम का पार्ट जो है एडिशनल हो गया है, ऐड हो गया है। इन्वर्शन पोजिशन रिवर्ट हो गया है, इन्वर्टेड पोजिशन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए हैं। नाउ देर इज इंसर्शन अगेन, एडिशन एंड ट्रांसलोकेशन। वी वर टॉकिंग अबाउट द इंड्यूस्ड म्यूटेशन, सो वी टॉक्ड अबाउट केमिकल्स। नाउ रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में सब जानते हैं, दे आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती हैं टू द हायर एनर्जी लेवल। और हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है दैट इज़ वेरी गुड अब्जॉर्बर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के अंदर। वो वेवलेंथ कितनी है, 262-280 नैनोमीटर। तो हमारे दो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर खास तौर से साइटोसिन एंड थाइमिन, दे आर वेरी वल्नरेबल टू एक्साइटेशन यानी कि बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और अपना बेस पेयरिंग जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर लेते हैं। और यूवी लाइट जो है वो एडजेसेंट थाइमिन बेस भी ऐड कर देती है डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ एडिशनल पेयरिंग करते हैं, यानी कि थाइमिन विल पेयर विद थाइमिन, सो दैट इज़ अ म्यूटेशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन से म्यूटेशंस हो सकती है, किसी वायरल इन्फेक्शन से हो सकती है। अब डीएनए के अंदर कुछ ऐसे रीजन है जिनको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, हॉटस्पॉट यानी कि वहाँ पर म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, नियर अबाउट 100 times मोर देन द नॉर्मल म्यूटेशन रेट। तो एक स्पॉट या एक साइट जो फाइंड आउट की गई है डीएनए के अंदर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन रेट है, दैट इज एट द 5-methyl साइटोसिन साइट। नाउ म्यूटेशन रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, सभी स्पीसीज में म्यूटेशन का रेट एक जैसा नहीं है। जो हमारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, यानी कि जो बायोलॉजिस्ट एवोल्यूशन के बारे में काम करते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर म्यूटेशन का रेट ज़्यादा होगा तो वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को चेंज्ड एनवायरनमेंट में, चेंज सराउंडिंग में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बैक्टीरिया को फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक से एक्सपोज किया जाए तो उस बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक एंड दैट वेराइटी विल बी रेजिस्टेंट म्यूटेंट वेराइटी एंड दैट विल प्रोड्यूस मोर सच बैक्टीरिया विच आर रेजिस्टेंट टू द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि फिर इनकी पॉपुलेशन जो है वो जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनसे ज़्यादा होगी, दैट हैज़ हेल्प्ड, यानी या ज़्यादा हायर रेट है म्यूटेशन का, वो ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को ज़्यादा बेटर एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अब अडैप्टिव म्यूटेशन की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम है बायोलॉजी की, वो कहती है कि म्यूटाजेनेसिस जब म्यूटेशंस का जो प्रोसेस है दैट इज़ नॉन रैंडम इन मैनी वेज, तो यूटिलिटी ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन टू द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो म्यूटेशन हुई और उस म्यूटेशन से उस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हुआ, तो दैट बेनिफिट जरूरी नहीं है कि दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ म्यूटेशन। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेज कहते हैं कि कुछ केसेज में जो स्पेसिफिक म्यूटेशन जो हमारे लिए एडवांटेजियस है
जो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है वो उसके रेट को बढ़ाने में, रेट ऑफ म्यूटेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है। नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट हो गया, किस चीज़ का फ्रेम शिफ्ट हो गया? जो रीडिंग फ्रेम है, जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जो जेनेटिक कोडोन है, जो हमारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं जब इंसर्शन होती है या डिलीशन होती है। यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड किए गए डीएनए सीक्वेंस में या उसमें से कोई न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गए, तो जो ट्रिपलेट नेचर है जेनेटिक कोड की, यानी कि 3 बेसिस जो हैं वो एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करते हैं, तो वो सीक्वेंस बेटा बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रीडिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, जो प्रोटीन उसने सिंथेसाइज करनी थी, दैट विल बी टोटली डिफरेंट, डिफरेंट जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। और ये जो सीक्वेंस अगर जल्दी चेंज होता है डिलीशन और इंसर्शन की वजह से, तो जो प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना है दैट विल बी मोर अल्टर्ड। यानी कि जितनी जल्दी चेंज हुआ है उतनी ज़्यादा हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन में चेंजेज होगा, अगर लेट होता है चेंज तो उसमें हमारी प्रोटीन प्रोडक्शन में कम चेंजेज हो गए। नाउ मिस सेंस म्यूटेशन, या इसको हम नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन भी बोलते हैं, दीज आर आल्सो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, दैट विल एंड दैट चेंज ऑफ द सिंगल न्यूक्लियोटाइड विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट अमीनो एसिड। इसकी बात हम कर चुके हैं, दोबारा से इसलिए बात कर रहे हैं, जो अमीनो एसिड चेंज होगा उसकी वजह से जो हमारा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, दैट प्रोटीन विल बी नॉन फंक्शनल। और ऐसी म्यूटेशन जो सिकल सेल डिजीज होती है, जो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम करती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच म्यूटेशंस। जो हार्मफुल म्यूटेशन नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे सराउंडिंग्स के अंदर जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, अब एक सेल को प्रॉपर काम करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। इफ ऑल दीज प्रोटीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड एट द राइट प्लेस एंड इन द एंड एट द राइट टाइम, तभी वो सेल ठीक से काम करता है। अगर म्यूटेशन ऐसी जगह हो गई कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, देन अ मेडिकल कंडीशन विल बी प्रोड्यूस्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मफुल म्यूटेशंस एंड एट द सेम टाइम वी विल कंसिडर एप्लीकेशन ऑफ द म्यूटेशंस, यानी कि म्यूटेशंस का हमारी लाइफ के अंदर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्या रोल हो सकता है उसका। जो अभी हम बात कर रहे थे कि म्यूटेशंस जो हैं वो वेरिएशन प्रोड्यूस करती हैं, चाहे वो हार्मफुल हैं चाहे वो बेनिफिशियस हैं, दे आर क्रिएटिंग वेरिएशन विद इन आवर जीन पूल। वट इज़ जीन पूल? हमारी पॉपुलेशन का जो टोटल जीन है दैट विल बी नोन एज जीन पूल। एंड हार्मफुल वेरिएशंस या हार्मफुल म्यूटेशंस दे आर रिड्यूस्ड इन फ्रीक्वेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, क्योंकि नेचर का अपना एक प्रोसेस है, जो चीज़ नेचर के अगेंस्ट जा रही है नेचर उसको रिमूव कर देती है, डिलीट कर देती है नेचुरल सेलेक्शन के प्रोसेस से, जिसकी वजह से जो हार्मफुल म्यूटेशंस है वो नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर कम हो जाती हैं। बेनिफिशियल म्यूटेशंस अकोमुलेट एंड रिजल्ट इन अडेप्टिव एवोल्यूशनरी चेंजेज। हार्मफुल म्यूटेशंस जर्म सेल के अंदर अगर म्यूटेशन होती है, तो जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन हो गई, दैट म्यूटेशन विल बी ट्रांसफर्ड और कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी वजह से हेरिडिटरी डिजीज प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन अगर म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, सो दीज वेरिएशंस दे आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन हमने यहाँ पर इस पॉइंट को किस लिए रिपीट किया? इसलिए रिपीट किया कि सोमेटिक सेल्स के अंदर जब म्यूटेशन होती है और उस सेल की जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, दैट सेल कैन आल्सो बिकम मैलिग्नेंट, दैट कैन डिवेल्प इन टू कैंसर। यानी कि सोमेटिक सेल में म्यूटेशन की वजह से हमें ऐसी भयानक बीमारियों से वास्ता पड़ सकता है। म्यूटेशंस हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर काम आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि म्यूटेशन कहाँ पर हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, और डिपेंड करता है कि इसने कौन सी असेंशियल प्रोटीन की फॉर्मेशन को इफेक्ट किया है। एग्रीकल्चर में यूटिलाइजेशन होता है म्यूटेशन का, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ वीट एंड राइस
दे हैव सोल्ड आवर फूड प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। म्यूटेशन से सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस किए जाते हैं। इम्प्रूवड वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द म्यूटेशन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो हमारे एनवायरनमेंट की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, तो वो सब म्यूटेशन की वजह से हो पाया है। एनिमल हस्बेंड्री में रोल प्ले करते हैं। शॉर्ट लेग्ड शीप देखा होगा बच्चों ने, हॉर्नलेस कैटल्स, हेयरलेस कैट्स, ये सब कहाँ से है? दे आर ऑल प्रोड्यूस बाय द म्यूटेशन। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया है, एग्स की प्रोडक्शन, मीट की प्रोडक्शन, वूल की प्रोडक्शन, ऑल दीज आर इंक्रीज बाय द म्यूटेशन। सो दे आर हेल्पिंग इन द एनिमल हस्बेंड्री। रिसर्च में हमारे काम आती है म्यूटेशंस। म्यूटेशन का प्रोसेस हमें इनहेरिटेंस, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और सेल मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। म्यूटेशंस के जो लीथल इफ़ेक्ट्स हैं, वो रिसर्च वर्कर्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि हाउ द म्यूटेशन विद लीथल इफेक्ट इज़ यूजफुल इन आवर रिसर्च। जो हार्मफुल म्यूटेशन हो जाती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक डीएनए रिपेयर सिस्टम है। डीएनए रिपेयर सिस्टम हर सेल को प्रॉपरली, हर सेल के डीएनए को थ्रू वेरियस एंजाइम्स रिकग्नाइज करता है, और जो मिस्टेक्स हो जाती हैं रेप्लिकेशन के अंदर, उनको रिपेयर करता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी म्यूटेशंस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, और वो ज़रूरी भी हैं, बिकॉज दे ऐड टू द वेरिएशन। और कुछ या डीएनए रिपेयर जो है, वो हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। बेनिफिशियल म्यूटेशन, एक काफ़ी कम परसेंटेज है म्यूटेशंस की जिसका एक्चुअली पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर करते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो 32 बेस पेयर है, उसके अंदर एक डेलीशन ऑफ CCR5, यानी कि ह्यूमन बीइंग के 32 बेस पेयर के अंदर अगर एक डेलीशन हो जाती है, रिमूवल हो जाती है CCR5 न्यूक्लियोटाइड की, तो वो उस ऑर्गेनिज्म को HIV के प्रति रेजिस्टेंट बना देता है। दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म डिवेलप रेजिस्टेंस टू द HIV। जो होमोजाइगोट्स हैं, वो तो टोटली रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, और जो हेटेरोजाइगोट्स हैं, वो उसको एड्स को, ताकि उनको ना अटैक करे एड्स का वायरस, उसमें हेल्प करते हैं। और बेनिफिशियल म्यूटेशन जो हुई 32 बेस पेयर को रिमूव करने से, ये ज़्यादा कहाँ पर है? यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में एक प्रॉब्लम बुबोनिक प्लेग की काफ़ी रहती है, और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये म्यूटेशन है CCR5 की डिलीशन की, दोज ऑर्गेनिजम्स दे आर रेजिस्टेंस टू द बुबोनिक प्लेग। लेकिन अफ्रीका में ये नहीं पाई जाती, अफ्रीका में बुबोनिक प्लेग भी नहीं है, और ये वैरायटी भी नहीं प्रेजेंट है। तो ये हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस म्यूटेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन अफ्रीका, वेयर द बुबोनिक प्लेग हैव नेवर रीच्ड। दैट्स ऑल अबाउट म्यूटेशन। थैंक यू।